टीम इंडिया को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले महान कप्तान कपिल देव पर बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर के नाम का भी खुलासा हो गया है। फिल्म एक था टाइगर के डायरेक्टर कबीर खान ने एक्टर को चुनने के बाद फिल्म का नाम भी रिलीज कर दिया है। कबीर ने भारतीय क्रिकेट टीम के 1983 में जीते पर वर्ल्ड कप पर बन रही इस फिल्म का नाम 83 रखा है। फिल्म में हीरो के तौर पर बॉलीवुड में बहुत जल्द शोहरत कमाने वाले एक्टर रणवीर सिंह को चुना गया है। खबर थी कि इससे पहले फिल्म के लिए अर्जुन कपूर के नाम की भी चर्चा चल रही थी। बता दें कि एस धोनी सचिन तेंदुलकर के बाद बॉलीवुड कई बायोपिक फिल्मों पर काम करने जा रहा है, जिसमें अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का किरदार निभाते नजर आएंगे। आशिकी टू गर्ल श्रद्धा कपूर बैडमिंटन चैंपियन सायना नेहवाल और फिल्म गोल्ड में खिलाड़ी अक्षय कुमार हॉकी चैंपियन बलबीर सिंह के रोल में देखेंगे। फिल्म 83 फैंटम फिल्म प्रोडक्शन विब्री मीडिया के विष्णु वर्धन और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनेगी। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने कहा कि रणवीर सिंह ही कपिल देव की भूमिका निभाने में हर तरीके से फिट बैठते हैं। बता दें कि 1983 में विश्व कप के फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज को मात दी थी। दोनों टीम के बीच फाइनल मैच 25 जून को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला गया था। इस ऐतिहासिक मैच की जीत में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को चुना गया था। उन्होंने 7 ओवर में मात्र 12 रन देकर टीम के लिए विजयी 3 विकेट झटके थे।